राधे राधे ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। तो आज है 25 अक्टूबर, 5 दिन बचे हैं बस अक्टूबर में, नवंबर आने वाला है, बिल्कुल ग्रोथ रुक जाएगी। और फाइनली देखो मेरा चांदनी का प्लांट खड़ा हो गया है, अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि मर ही जाएगा, ये खड़ा नहीं होगा, तो खड़ा हो गया। लेकिन सारे पत्ते इसने झाड़ दिए, पर कोई बात नहीं, पत्ते तो दोबारा भी आ जाएंगे, बच गया इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो ये देख सकते हो आप मेरी गार्डन अपडेट, एरांथियम का प्लांट जो मैंने टिप काटी थी 2-2 जगह से, अभी ये फूटा है, काफ़ी बुशी हो जाएगा अभी। तो अभी मैंने सारे प्लांट्स में पानी दिया, आप देख सकते हो पूरे छत पे पानी पानी हो रहा है। और ये देखो मेरा जीजी, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, अदरवाइज़ मैंने इसको जब रिपोर्ट किया था ना, इसकी जो रूट बॉल थी वो बिल्कुल गल गई थी, तो मुझे अभी पक्का नहीं पता ये बच पाएगा कि नहीं। और ये मैं इसका नाम भूल गई, चमेली, पता नहीं क्या बोला था अंकल जी ने। और ये मेरा डाइंथस है, कितना सुंदर हो रहा है, फ्लावर भी अच्छे से दे रहा है, ये मेरा मनी प्लांट भी बहुत सुंदर हो रहा है। और यहाँ पे आपको गुलाब की अपडेट देती हूँ, देखो कितनी अच्छी अच्छी पत्तियाँ आ रही है, न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और आप देख सकते हो एरांथियम की दूसरी वैरायटी को मैंने धूप में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अब इतनी तेज़ धूप निकलती नहीं है। और ये देखो एक्सोरा, सबसे बेस्ट प्लांट है ये मेरे गार्डन का। गाइस कितने भर भर के इसमें फ्लावर आते हैं कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। ये देखो एकदम बंच में, एक ही बंच में ना 50 फ्लावर होंगे, आप देख सकते हो, गिन सकते हो। और कलर कॉम्बिनेशन देखो, वाइट और पिंक, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो आज तो मैं इसी का थंबनेल लगाने वाली हूँ, है ना, बहुत सुंदर लगेगा। ये देखो अंदर तक फ्लावर निकले हैं। तो आपको अगर फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसको ऐड कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा भर भर के फ्लावर देता है। पहले मुझे ये पसंद नहीं था, लेकिन इसके फ्लावर देख के ना अब मेरा ये फेवरेट हो गया, ये गार्डन में सबसे बेस्ट लग रहा है मेरे तो। और ये देखो मैंने जो टिप काटी थी, अब ये 2-2 जगह से कितने अच्छे से फूट गया है ना। एक्सोरा क्या बोलते हैं इसको, नाम भूल गई मैं। और ये देखो फ्लावर, उसका फ्लावर देखो, उसका फ्लावर थोड़ा बड़ा है ना। और ये देखो चांदनी में वाइट कलर का फ्लावर, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे देखो ये यूफोरबिया मिली में कितने अच्छे अच्छे फ्लावर आए हैं, पूरे बंच पे फ्लावर बने पड़े हैं। और ये देखो मैक्सिकन पेटूनिया में अभी फ्लावर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और यहाँ पे दिखाती हूँ गुड़हल में भी आज एक फ्लावर निकला है, ये देखो पत्ते तो इसके पीले पड़ रहे हैं लेकिन फ्लावर दे रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये मेरा सदाबहार है वाइट, इसमें पानी देना भूल गई थी मैं कई दिनों से, तो थोड़ा थोड़ा सा मुरझा गया है। तो कैसी लगी मेरी आज की आपको गार्डन अपडेट, और सबसे बेस्ट प्लांट मुझे तो ये लगा, आपको कौन सा लगा मेरे गार्डन का ये ज़रूर बताना। और अभी मैंने पानी दिया, अदरवाइज़ ये बिल्कुल लेट चुके थे और बहुत ही गंदे लग रहे थे, और अभी पानी दिए मेरे को, आधा घंटा हो गया, तो ये थोड़े थोड़े खड़े हो गए, अभी पूरी तरह खड़े नहीं हुए ऐसे करके, लेकिन हाँ हो रहे हैं। तो ना सर्दियों में पता नहीं चलता, मैं भी पानी काल कस कर जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कहीं गल ना जाए, ज़्यादा पानी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने कहा मुरझा जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन गल गए तो फिर नहीं खड़े हो पाएंगे, तो इसलिए मैं पानी कम से कम ही डालती हूँ सर्दियों में। अभी हफ्ते भर में मैंने पानी डाला होगा। और बोगनवीला के सारे पत्ते झड़ चुके हैं लेकिन खड़ा हो गया है, इस बात की खुशी है, फ्लावर भी अभी दे रहा है। और ये मेरा रजनीगंधा के फ्लावर दिखाती हूँ आपको, ये देखो कितना सुंदर है ना। और ये नीचे के सूख गए हैं, ये देखो मैं इनको हटा देती हूँ, ये लीजिए अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, जो पुराने वो हटा दो फिर देखो कितने खूबसूरत है ना, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं इसके, मुझे पता नहीं था। और ये देखो शमी का प्लांट मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो कैसी लगी आज की गार्डन अपडेट, ये देखिए मैंने टिप काट दी थी तो इसमें से भी 2-2 ब्रांच निकली है। और यहाँ पे देखिए मेरी बेल कहाँ तक चढ़ गई है, वहाँ तक चढ़ चुकी है, ये देखो। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ़ यू।